हेलो, माय मीना होम मेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं चना का हलवा बनाने। ये हमारा देखिए 250 ग्राम चना है। तो और ये हमारा कुछ फ्रूट है ड्राई, ये बादाम है, ये काजू है, ये पिस्ता है, ये इलायची है 5-6, ये किशमिश है और ये जो है खीरा का बीज है। तो अब इसको हम चल रहे हैं अच्छी तरह साफ के धुल लेंगे। तो देखिए हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह साफ के धुल लिया है। ये कच्चा चना है और ये हमारा घी है थोड़ा सा 1 चम्मच और ये हमारा 1 गिलास दूध है। तो अब हम कुकर में ये सब डालेंगे, जैसे हम दाल बनाते हैं उसी तरह। ये हमारा कुकर है और इसमें हम पहले घी डालेंगे। घी से थोड़ा सा इसको ग्रेस कर लेंगे ऐसे, ताकि दाल इसमें चिपके नहीं। इसको दूध को डालेंगे इसमें, 1 गिलास दूध है। और अब हम ये चना की दाल को डालेंगे। तो देखिए हमने चना की दाल डाल दिया है, अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। तो देखिए हमने गैस जला दिया है मीडियम आंच पे और अब हम गैस पे इसको रख देंगे। तो मान के चलिए 4 सीटी हम इसको लगाएंगे, जैसे दाल बनाते हैं इसी तरह। तो सभी ड्राई फ्रूट को अब हम काट लेंगे। देखिए हमारा चाकू है, ये हमारा पैड है, ऐसे हम लंबे लंबे में, पतले पतले में। तो देखिए हमने सभी ड्राई फ्रूट को काट लिया है, अब हम चल रहे हैं गैस के तरफ। तो देखिए 4 सीटी हो चुका है, हमारा गैस ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको खोल के आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा हो गया है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब हम इसको जार में पीस लेंगे निकाल के। तो देखिए ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम, एक जार है, इस जार में हम डाल के इसको बना लेंगे बारीक मैदा। तो देखते हैं खोल के। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये बारीक मैदा जैसे बन गया है। अब हम चल रहे हैं इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गैस चला दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम घी डालेंगे, ये शुद्ध घर का देसी घी है और इसको हम चला के इधर उधर ब्लेंड कर देंगे। तो अब हम सभी ड्राई फ्रूट को इसमें डाल देंगे और गैस को मीडियम आंच पे रखेंगे। तो सभी अच्छी तरह हम चला के रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, 2 मिनट, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए 2 मिनट से ऊपर हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया, हल्का रोस्ट करना था। अब इसी में हम जो इसको पीसे हैं चना की दाल को, इसको इसमें डाल के अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। अब अच्छी तरह हम इसको चला के और मिला लेंगे। तो देखिए 1 चम्मच और घी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि घी बहुत ज्यादा लगता है। अब अच्छी तरह हम इसको चला लेंगे। देखिए ये 200 ग्राम चीनी है लगभग। अब इसको हम गर्म करके चाशनी बना लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम, अब इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे 1 चम्मच बड़ा, और इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। तो देखिए हमने गैस को जला दिया है और इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें हम कलर रेड डाल देंगे, इससे अच्छा और बन जाएगा कलर हमारा। अब अच्छी तरह हम उसको मिला देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर बन गया। तो देखिए हमारा चीनी एकदम मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह, और थोड़ा सा अभी इसको और हम ब्राउन करेंगे। अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह इसको भी मिला देंगे। थोड़ा सा घी और हम डालेंगे 1 चम्मच, क्योंकि घी बहुत ज्यादा लगता है, और अच्छी तरह हम इसको मिला लेंगे। ये बहुत अच्छा होता है, इसको एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, बहुत गजब का ये हलवा बनता है चने का। तो देखिए ये हमारा ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह हमने रोस्ट कर दिया है।
तो अब इसमें हम चाशनी डालेंगे। ये देखिए हमने चाशनी बना लिया है कलरफुल डाल के। अगर वैसे हम चीनी डालते तो जल्दी गलता नहीं, इसीलिए चाशनी डालना ऑप्शनल है। तो अब हम अच्छी तरह इसको मिला लेंगे। तो देखिए हमारा हलवा एकदम तैयार हो गया अच्छी तरह। ये देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ दिया है। अब इसको हम एक थाली में घी लगा के इसको जमा देंगे। तो देखिए हम ये थाली में घी लगा दे रहे हैं ताकि हमारा ये चिपके नहीं। तो देखिए हमने घी अच्छी तरह लगा दिया है। तो अब इसको हम इसी थाली में जमा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम हाथ से इसको दबा देंगे ऐसे। तो देखिए हमने कितना अच्छा जमा दिया है। अब ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट लगा देंगे। इसको हम दबा देंगे हाथ से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में रखिए, नहीं तो वैसे ही जम जाएगा। तो अब हम इसको रख दे रहे हैं। तो देखिए आप लोग हमारा हलवा एकदम अच्छी तरह परफेक्ट जम गया है। अब इसको हम काट के आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे पीस में अच्छी तरह निकाल दिए हमने। इसे सारा हम निकाल लेंगे और सर्व करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए हलवा कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। हमने पीस में काट दिया है। आप वैसे भी खा सकते हैं बना के, और पीस भी आप मान के चलिए 15 दिन आराम से खा सकते हैं। ये मिठाई के नुमा बन गई है। तो दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए मुंह में जाते ही ये घुल जाने वाली ये हलवा है। देखिए कितना सॉफ्ट कितना अच्छा बना है इसका स्ट्रक्चर। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।